नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। आइए हम बताते हैं आपको, 2 माह पूर्व घायल किए गए 2 नंदी बैलों को एकदम ठीक हो गया है और उन्हें भंवर भाई माली व उनकी टीम सौड़ाल गौशाला से वापस मालीपुरा ले जाने की मंडर आए हैं। हमें सूचना मिली तो हमने उनसे बात की कि किस तरह से उनको उस टाइम में अज्ञात व्यक्तियों ने खेतों में रात के समय घायल किया था। हमारी टीम भी वहाँ पहुँची थी और भंवर भाई की टीम ने वहाँ मेहनत करके उन नंदी बैलों को गांव के अंदर से पकड़कर हॉस्पिटल पहुंचाया था। हम बात करते हैं भंवर भाई माली से, क्या कहा उन्होंने, आई सुनते हैं उनकी जुबानी। हमारे साथ में है गो सेवक भंवर भाई माली। आपको बता दें कि 2 माह पहले इन नंदी बैलों को किसी ने कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया था। हम उनसे बात करेंगे। हाँ भंवर भाई, बताओ ये क्या मामला था और किस तरह से अभी इनकी। ये 2 लावारिस थे और लावारिस हालत में पड़े थे खून में हुए, और हमने सौड़ाल गौशाला में इसको भर्ती करवाया था। अब ये ठीक हो गए, एकदम स्वस्थ हो गए, तो हम लेके आए। अच्छा, इनको मारा किसने था वो तो कोई पता नहीं चला, अज्ञात लोगों ने मारा था। जैसा कि हमने आपने उस टाइम में आपके साथ और कौन कौन था। मैं था, अमृत भाई थे और 2-3 जगह और थे। अच्छा ठीक, तो उसके बाद अभी 2 महीने में इनको ठीक कर दिया गया। ठीक, हमने उस वक्त वीडियो के माध्यम से आसपास के लोगों को सूचना भी दी थी और उनसे करबद्ध निवेदन किया था कि कम से कम उन्हें वहाँ से खेतों से भगाने के लिए लाठी या डंडे का प्रयोग करें, धारदार हथियार कुल्हाड़ी धारिया या इस तरह के जो कृषि यंत्र होते हैं उनसे नहीं मारें। और एक बार फिर पुनः उन्हें निवेदन करते हैं और उन सभी गो भक्तों से जो उनकी सेवा करते हैं और नहीं भी करते हैं तो भी कम से कम इनका ख्याल रखें। हम उनसे एक बार हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करते हैं कि कम से कम उन्हें घायल नहीं करें, उनके साथ मारपीट नहीं करें, और ऐसा कुछ है तो हमें सूचना करें, हम उसका व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद।